रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक युवक की लाश मिली। युवक के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले, साथ ही पास में खून से सने पत्थर भी पड़े मिले। अंदेशा लगाया जा रहा है कि लूट के बाद युवक की हत्या की गई। कसौला थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह कसौला थाना पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर असाई पुल के समीप ग्रीन बेल्ट में एक युवक का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ है। सूचना के बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बावल स्थित अस्पताल में भेज दिया। बताया जा रहा है कि शव के पास ही खून से सने कुछ पत्थर भी मिले, साथ ही उसकी जेब की तलाशी ली गई तो ना मोबाइल मिला और ना ही कोई पैसे। मृतक की उम्र करीब 25 साल है, फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने उसकी फोटो आसपास के थानों के अलावा अन्य जिलों में भी भिजवाई, जिससे कि उसकी पहचान की जा सके। आज सुबह कंट्रोल रूम से हमें सूचना मिली कि इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रीन बेल्ट में एक अननोन डेड बॉडी पड़ी है। जो मौके पे जाके देखा तो इसी अननोन व्यक्ति की सिर में पत्थर मार के और हत्या की गई है। सर, कहीं पुष्टि हुई है कौन है, कहां का है, क्या है? नहीं, अभी तो पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अभी हर स्तर पे कोशिश की जा रही है कि उनकी पहचान की जाए। आपकी इस कार्रवाई में क्या लगता है कि क्या मामला है, कहीं फैक्ट्री वाला है क्या, कोई ड्राइवर है, क्या है? माइग्रेंट लेबर देखने में प्रतीत हो रहा है अभी, तो अभी प्रयास किए जा रहे हैं, आसपास की कंपनीज में पता किया जा रहा है।